तो देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19 परसेंट ओके एंड सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12 परसेंट ऑन पेट्रोल बाय व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेस्ड नियरेस्ट टू एन इंटीजर देखो इसका मतलब इसमें भी एक क्या अप्रॉक्सीमेशन में आंसर आने वाला है ठीक है देखो एक तो पहले ये चीज़ समझ लो कि आपका जो प्राइस होता है ठीक है प्राइस और शी शुड रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल और एक्सपेंडिचर है मतलब आपका देखो टोटल जो एक्सपेंडिचर है ठीक है दैट इज़ इक्वल टू आपका प्राइस ऑफ पेट्रोल इनटू क्वांटिटी ठीक है अब मान लेते हैं कि देखो जब भी आपको कोई चीज़ परसेंटेज में दी हो ना परसेंटेज में दी हो तो आप क्या कर क्या कर लो कि कोई भी वैल्यू ले लो अगर हम मैं प्राइस की वैल्यू हंड्रेड ले रहा हूँ ठीक है क्वांटिटी की वैल्यू मान लेते हैं लेस से फिफ्टी लेते हैं ठीक है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड हो जाएगा नो no डाउट अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर जो है स्पेंड शी स्पेंड ओनली एन एडिशनल ट्वेल्व परसेंट ठीक है अगर एक्स्ट्रा ट्वेल्व परसेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है तो एक बार बताओ पांच हजार का ट्वेल्व परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा पांच सौ सौ ठीक है पांच हजार सौ आ जाएगा ये मुझे मैं इतना इजूम कर ले रहा हूँ कि यार आपको पाँच हज़ार का आप ट्वेल्ल परसेंट निकाल सकते हो और पाँच हज़ार में जोड़ सकते हो तो ये फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आ जाएगा ठीक है एडिशनल है ना तो एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा छः सौ आपको जोड़ना पड़ेगा पाँच हज़ार में पाँच हज़ार छः सौ हो जाएगा फिर बोल रही बोल रहा है कि आपका क्या हो रहा है कि पेट्रोल जो है वो नाइनटीन परसेंट उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है पेट्रोल का तो नाइनटीन परसेंट हो रहा है तो सौ से एक सौ उन्नीस हो जाएगा अब आपको ये चीज़ निकालनी है कि कितना परसेंट आपका क्वांटिटी डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज हुआ है रिड्यूस हुआ है ठीक है रिड्यूस हुआ है तो अब एक बात बताओ हम डिवाइड करेंगे किसको x की वैल्यू निकालेंगे 5600 डिवाइडेड बाय 119 ठीक है ये देखो अप्रॉक्सीमेशन में आएगा इसका परफेक्ट ये कटेगा नहीं तो अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा पहले तो फोर टाइम्स लेके जाएंगे ठीक है फिर आपका कितना बचेगा ये फिर सेवन टाइम्स आएगा ठीक है फिर पॉइंट फिर ज़ीरो फिर आपका आ जाएगा वन हंड्रेड नाइनटीन फाइव 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 टाइम्स आ जाएगा ठीक है उसके बाद देखो ये जो अप्रोक्सीमेशन में आपको लिखना है तो इसको आप जस्ट फोर्टी सेवन लिख सकते हो तो अगर फिफ्टी से एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फोर्टी सेवन आ गया तो कितने का अंतर आया थ्री का अंतर आया अगर थ्री का अंतर आया तो कितना परसेंट होता है यार पचास का तीन कितना परसेंट होता है छह परसेंट होता है यही आंसर है आपका ठीक है कोई इसमें तकलीफ वाली बात थी नहीं थी आपको बस क्या हुआ था कि आपको जो नंबर्स मिले थे ना उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन में आंसर लाना था ये चीज़ आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है यार अगर टॉफी है टॉफी का ये प्राइस है एक टॉफी का प्राइस है और टोटल ये इतनी क्वांटिटी है टॉफ़ी की तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका टॉफीज पे कितना है ये तो बच्चों वाली चीज़ है अब ये समझाने वाली बात तो कुछ है नहीं ठीक है और वैसे भी जो सीजीएल टायर 2 का पेपर दे रहा है उसको तो ये सब पता ही होगा यार तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखो कैसे स्वाहा करते हैं ये स्टाइल होता है आगे बढ़ते हैं ठीक है मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20% अब देखो ये फिर से इनकम वाला खेल आ गया आपको मैंने कितनी बार बताया है देखो इसमें इनकम आपका i है ठीक है फिर एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग तो 100 मार लेते हैं तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट आपकी सेविंग हो जाएगी 28 ठीक है इनकम इनक्रीज बाय 20 परसेंट मतलब ये अब 120 हो गया ओके से दस परसेंट टू पॉइंट एट और फिर पांच परसेंट फोर यानी फोर पॉइंट टू यानी थर्टी टू पॉइंट फोर हो गया थर्टी टू पॉइंट टू हो जाएगा ना देखें पॉइंट आपका टू पॉइंट एट है और फिर है हाँ थर्टी टू पॉइंट टू हो जाएगा ठीक है तो अब एक बात बताओ वन ट्वेंटी में से थर्टी टू पॉइंट टू माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा लगभग एटी सेवन हाँ सेवन पॉइंट एट आएगा ठीक है तो कितना परसेंट कितना इंक्रीज हुआ यही पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है इंक्रीज uh, भाई देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज भाई हाँ एक्सपेंडिचर ये एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ किया आपका ये फिफ्टीन पॉइंट एट टाइम्स इंक्रीज़ कर गया कितने बहत्तर बेस से ठीक है बहत्तर में फिफ्टीन पॉइंट एट आप और जोड़ दिए तो आपका एटी सेवन पॉइंट एट हो गया ठीक है तो इसका परसेंटेज निकालो कितना आ जाएगा अगर आप टेन uh, परसेंट निकालोगे सेवेंटी टू uh, का टेन परसेंट निकालोगे तो कितना आएगा सेवन पॉइंट टू ठीक है ट्वेंटी परसेंट निकालोगे तो कितना आएगा फोर्टीन पॉइंट फोर हमको कितना और चाहिए लगभग आपका 1.4 और चाहिए तो 17, 72 का आप 1.4 और निकाल लो ठीक है आपका हो जाएगा पॉइंट सेवन टू पॉइंट सेवन टू आपका होता है वन परसेंट और पॉइंट सेवन टू और जोड़ दो उसमें यानी टू परसेंट ये आपका ओवरऑल कितना हो गया टू परसेंट हो गया ठीक है टू परसेंट हो गया तो ये आपका आ गया वन पॉइंट फोर फोर तो लगभग ये दो परसेंट और जोड़ने पे आएगा करेक्ट वन डेसिमल प्लेसेस पूछा है ना तो ये ट्वेंटी में पॉइंट टू परसेंट और जोड़ देंगे तो यही आपका आंसर है ठीक है अच्छा ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपका शायद जो पी मिला है आपको रेमोसर ने दिया है उसमें आपका आंसर पीछे शायद गलत लिखा हुआ है आपका सही आंसर ये होगा ट्वेंटी ठीक है सही आंसर ये है तो देखो क्वेश्चन ये भी कुछ नहीं था इसमें कुछ भी नहीं था करना ठीक है इजी क्वेश्चन था ये आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट हाउ एवर इट कंजन डिक्रीज बाई एट अपॉन थ्री परसेंट वट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एक्सपेंडिचर ऑन इट ठीक है ये यार देखो वही वाला क्वेश्चन है जैसे हम लोग एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है एक्सपेंडिचर इज गोल टू वॉट प्राइस इन टू क्वांटिटी ठीक है क्वांटिटी बोल दो या कंजम्पशन बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है ठीक है ये दोनों एक ही चीज़ है क्वांटिटी या कंजम्पशन अब एक्सपेंडिचर इज गुड वॉट बोल रहा है कि अच्छा प्राइस कितना है प्राइस ऑफ ऑल इज़ इंक्रीज बाई इसको हम लोग फिर से हंड्रेड मान लेंगे ठीक है क्वांटिटी या कंजम्पशन को फिर से हम लोग फिफ्टी मान लेंगे ठीक है कुछ भी मान सकते हो आप जरूरी नहीं है मैं ये यार ये इजी नंबर से इसलिए मान लिया मैंने ठीक है तो आपका ये पाँच हज़ार हो जाएगा ठीक है अब क्या बोल रहा है कि प्राइस कितने से इंक्रीज़ किया ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज़ किया यानी वन ट्वेंटी हो गया हाउ इस इज कंजन डिक्रीजेस बाई एट थ्री यानी ट्वेंटी फाइव बाई थ्री ठीक है ट्वेंटी फाइव बाई थ्री परसेंटेज डिक्रीज हो गया अब एक बात बताओ ट्वेंटी फाइव बाई थ्री को आप क्या लिख सकते हो ट्वेंटी फाइव बाई थ्री परसेंटेज राइट इसको परसेंटेज के रूप में आप ये लिख सकते हो नहीं आप सॉरी रेशो के रूप में आप क्या लिख सकते हो रेशो के रूप में क्या लिख सकते हो एक मिनट इसको हटा दूँ ठीक है ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसको रेशियो के रूप में आप ये लिख सकते हो यानी वन बाई ट्वेल्व ठीक है वन बाई फोर आएगा यहाँ पे ये टू बाई ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है तो अब फिफ्टी का वन बाय ट्वेल्व आपने रिड्यूस करना है कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है ना कंजम्पशन जो आपका है वो डिक्रीज हो रहा है इससे तो फिफ्टी हमारा कंजम्पशन था हम इससे रिड्यूस कर रहे हैं वन बाय ट्वेल्व से रिड्यूस कर रहे हैं तो फिफ्टी का वन बाय ट्वेल्व निकालोगे तो कितना आएगा यार ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स तो फिफ्टी माइनस 25/6 ठीक है तो ये आपका आ जाएगा 300 25 यानी 275/6 तो ये आपका आ गया 275/6 275/6 तो अब आप एक बात बताओ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट अब यार पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है 6 से ये कटेगा हाँ 20 बार में कटे आएगा तो ये कितना आ जाएगा 275 टू ये आ जाएगा साढ़े पांच सौ पांच हजार पांच सौ आ जाएगा ठीक है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यार दस परसेंट इंक्रीज हुआ इंक्रीज बाई टेन परसेंट ठीक है कोई भी ये बता देगा बहुत सिंपल आंसर था ये कुछ भी नहीं करना था इसमें स्वाहा हो चुका है क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके देख लेना यार क्वेश्चन खत्म हो, चुक, हो चुका है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या होगा बस वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15 परसेंट ठीक है वर्किंग आवर इतने से बढ़ गया और हिज वेजेस पर आवर वो इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट बाई हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग्स इंक्रीज अच्छा डेली अर्निंग्स earn, उसकी कितनी इंक्रीज हो रही है ये बताना है आप देखो एक बार बताओ डेली अर्निंग्स उसका क्या लिख सकते हैं हम लोग डेली अर्निंग्स इज इक्वल टू वॉट उसके वेजेस ठीक है वेजेस पर आवर ठीक है, पर आवर इनटू वर्किंग आवर ठीक है अब इसको थोड़ा हिंदी में बता देते हैं क्या होता है कि भैया जितने घंटे काम किया और एक घंटे का काम करने पे उसे कितना पैसा मिल रहा है ठीक है इसको भी वैसे ही खेलेंगे मान लेते हैं सौ रुपया मिल रहा है ठीक है वर्किंग आवर कितना है पचास तो उसका डेली अर्निंग्स कितना हो जाएगा पांच हजार कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें अब बोल रहा है कि वर्किंग आवर अगर आपका पंद्रह परसेंट से बढ़ गया ठीक है वर्किंग आवर पंद्रह परसेंट से बढ़ गया यानी कितना बढ़ गया दस पाँच ढाई ठीक है यानी ये साढ़े बासठ हो गया ठीक है पंद्रह परसेंट एक मिनट रुको साढ़े बासठ नहीं सॉरी 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 ये फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है और फिर क्या बोल रहा है और वेजेस पर आवर इंक्रीज़ हो गए ट्वेंटी परसेंट से तो यानी ये वन ट्वेंटी हो गए ठीक है, है अब बोल रहा है कि ये कितना आएगा ये कितना इंक्रीज़ हुआ है ठीक है देखते हैं 120 का 57.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 575 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा ठीक है 5750 और फिर 5 575 कितना हो जाएगा ये आपका एक हजार सात पचहत्तर पचहत्तर डेढ़ सौ यानी एक हजार एक सौ पचास और जोड़ दो आप तो ये आपका आ गया जीरो एक नौ छः ठीक है सिक्सटी नाइन आ गया तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स इज कल टू वॉट सिक्सटी नाइन हंड्रेड तो कितना ज़्यादा है यार इससे लगभग 1900 ज़्यादा है ठीक है 1900 ज़्यादा है कितने में से 5000 में से ठीक है तो जीरो जीरो गया अब आपका लगभग ये कितना परसेंट है देखो ये 19 बाई फिफ्टी है अच्छा इसको ऐसा कर लो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दो बार में कट आएगा ठीक है तो नाइनटीन इंटू टू इज योर आंसर कोई तकलीफ थी इसमें कोई भी मुश्किल था अब आप ही बता दो आप ही डिसाइड कर लो यार तो क्वेश्चन ये भी स्वाहा हो चुका है और नहीं आया ना तो समझ लो पाप लगेगा चलो आगे देखते हैं इफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव टाइम्स द वैल्यू ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ वन फोर्थ ऑफ वाई देन एक्स इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन वाई अच्छा तो ये देखो इसमें इक्वेशन बनाना है ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ हाफ ऑफ एक्स देखो ट्वेंटी फाइव ऑफ हाफ ऑफ एक्सन बाई फोर वन बाई फोर ऑफ हाफ ऑफ एक्स यानी टू ऑफ एक्स ठीक है इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव टाइम इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव बाई टू लिख दो ठीक है द वैल्यू ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ वन फोर्थ ऑफ वाई थर्टी परसेंट यानी थ्री बाई टेन होता है ठीक है इन टू वन बाई फोर ऑफ वाई वन बाई फोर है ठीक है ये वन बाई फोर इंटू वाई तो अब बताओ ये टू से टू गया फोर से फोर गया ठीक है तो x बाई वाई का रेशियो अच्छा पाँच से ये दस गया दो तो x और y का रेशियो कितना आ गया थ्री इज टू आ गया ठीक है देन x इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन y x तो यार ज़्यादा दिख रहा है कितना ज़्यादा दिख रहा है पचास परसेंट ज़्यादा दिख रहा है पचास परसेंट कहाँ है पचास परसेंट आपका सही आंसर है ठीक है पी जो आपको मिली है ना उसमें पीछे की तरफ हर चैप्टर के पीछे की तरफ आपको आंसर की भी दिया हुआ है आंसर की से मिला लेना ठीक है सही आंसर है और ये सब क्वेश्चन तो बच्चों वाले हैं इन एन एग्जामिनेशन ए ऑप्टेंड 10 परसेंट मोर मार्क्स देन बी बी ऑप्टेंड 20 परसेंट मोर मार्क्स देन सी एंड सी ऑप्टेंड 32 परसेंट लेस मार्क्स देन डी इफ ए ऑप्टेंड 272 सेवेंटी टू मोर मार्क्स देन सी देन वट देन मार्क्स ऑप्टेंट बाई बी अच्छा इसमें B, D के बारे में तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है तो डी को क्यों ले रहे हैं फिर हम लोग डी को तो कंसाइडर ही नहीं करना है डी को छोड़ दो ठीक है सी ऑप्टेन थर्टी टू परसेंट लेस मार्क्स ये इसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको डी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में यार डी से कोई मतलब ही नहीं है ठीक है अब देखो करते हैं क्वेश्चन ए ऑप्टेन टेन परसेंट मोर मार्क्स देन बी ठीक है और बी ऑप्टेन ट्वेंटी परसेंट मोर मार्क्स देन सी तो ए बी और सी में खेल हो रहा है सी को सौ मान लो ठीक है तो बी क्या है ट्वेंटी परसेंट मोर है यानी वन ट्वेंटी हो जाएगा और ए क्या है ए ऑपटेन टेन परसेंट मोर मार्क्स देन बी तो ये वन थर्टी टू हो जाएगा ठीक है अरे एक सौ बीस का दस परसेंट निकालोगे तो बारह आएगा ठीक है उसमें जोड़ दो एक सौ बीस में जोड़ दो तो एक सौ बत्तीस हो गया सिंपल ठीक है बोल रहा है कि इफ ए ऑपटेन टू सेवेंटी टू मोर मार्क्स देन सी ठीक है सी और ए में जो अंतर है वो दो का है लेकिन एक्चुअल में हम लोग के अकॉर्डिंग हमने जो माना था उसके अकॉर्डिंग कितना अंतर है थर्टी तो यानी थर्टी जो पार्ट है वो किसके इक्वल है टू टू के इक्वल है तो यानी वन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 272 डिवाइडेड बाय 32 कट रहा है क्या देखो सेवन नहीं कट रहा है यार नहीं कट रहा है मतलब इसको काटना पड़ेगा छोटा करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा एक ठीक है और ये सोलह ठीक है और काट दो तो कितना आएगा सिक्सटी एट और एट ठीक है और काट दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा थर्टी फोर ठीक है और काट दो फोर और आ गया तुम्हारा थर्टी टू बाई सॉरी ये कितना आएगा सेवनटीन सेवनटीन बाई टू ठीक है सेवनटीन बाई टू आ गया फिर बोल रहे देन मार्क्स फोर्टीन बाई बी इज़ बी से मल्टीप्लाई कर दो यार बी से मल्टीप्लाई कर दो एक सौ बीस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा कितना साठ ठीक है अब uh, 17, कितना होता है एक दो दिख रहा है मुझे एक सौ दो दिख रहा है आंसर में किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं द द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट By what percent should its height be reduced so that its volume remains the same as before? अच्छा जो ये क्वेश्चन है ना बेटा ये क्वेश्चन पी डी एफ में आपको नहीं दिखा होगा ठीक है ये क्वेश्चन हालांकि दो हज़ार अट्ठारह के पेपर में था और ये शायद थर्टीन सेप्टेम्बर के पेपर में था लेकिन उन्होंने शायद आ, देखा नहीं क्या हुआ आई डोंट नो या फिर शायद आ, Uh, आपका सिलेंडर वाले क्वेश्चन में रखा हो ठीक है वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में रखा हो मैं वाले क्वेश्चन में तो देखो इसको करेंगे कैसे द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सेंटर इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है जो uh, जो रेडियस है आपका तो मतलब अगर पहले पहले आपका ट्वेंटी परसेंट का मतलब क्या होता है रेशियो में अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा वन बाई फाइव हो जाएगा ठीक है तो अगर पहले रिड्यूस कर रहे हैं ना इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं मतलब पहले अगर पांच था अगर रेडियस पहले पांच था तो बाद में कितना हो गया इंक्रीज करके छ हो गया क्योंकि वन बाई फाइव इसमें और जोड़ दिया तो 6 हो गया ठीक है बाई वॉट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूज सो देट वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर मतलब वॉल्यूम सेम रखना है तो हाइट कितना से रिड्यूस करना होगा ठीक है अब एक बात बताओ वॉल्यूम सेम रखना है तो ये 25 आएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 25 आएगा इसका स्क्वायर क्या आएगा 36 आएगा ठीक है तो हमें यार परसेंटेज में पूछ रहा है बाई वॉट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस्ड तो एक एक बात बताओ इसकी हाइट पहले जितनी थी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो रहना चाहिए वो सेम आना चाहिए ठीक है आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है पाई पाईआर स्क्वायर है ये बताने वाली चीज नहीं है सिलेंडर का ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का ठीक है तो इसमें जो रेडियस होता है वो स्क्वायर के टर्म में होता है तो इसलिए हमने पाँच का स्क्वायर किया है ठीक है पाँच का स्क्वायर किया और छः का स्क्वायर किया है तो अब एक बात बताओ इनका जो वॉल्यूम है वो मतलब ट्वेंटी फाइव इंटू अगर एक्स करें तो हमें वॉल्यूम मिले या फिर अगर हम थर्टी सिक्स इंटू वाई करें तो हमें वॉल्यूम मिले तो बोल रहा है अब अब अब, ए, अब एक बात बताओ एक्स क्या है पहले वाला वॉल्यूम मान रहे हैं एच वन इज इक्वल टू एक्स मान रहे हैं एच टू इज इक्वल टू वाई मान रहे हैं तो अब एक बात बताओ बोल रहा है कितना परसेंट से रिड्यूस कर रहे हैं ठीक है मान लेते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन वाई करना है ठीक है अब एक बात बताओ यहाँ से एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी थर्टी सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है कितना रिड्यूस किए माइनस वन कर दो, दोनों साइड तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव यानी कि आपका हो गया नाइन ठीक है नहीं नाइन नहीं इलेवन हो जाएगा इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव तो कितना परसेंटेज आता है यार इसको कर दो मल्टीप्लाई ठीक है कितना आएगा चार आएगा ट्वेंटी फाइव आ रहा है रिड्यूस hmm, करने के लिए बोला है ना तो पहले छत्तीस था बाद में पच्चीस हो गया आ, एक्स हाँ एक्स और वाई का जो रेशियो है वो छत्तीस बाई पच्चीस है ठीक है कितने से रिड्यूस करने के लिए बोला है hmm, सही है ग्यारह बाई ग्यारह बटे पच्चीस ही आएगा नहीं ग्यारह बटे छत्तीस होगा यार सॉरी ये गलत है ये ग्यारह बटे छत्तीस होगा ठीक है इनिशियली आपका छत्तीस था ना राइट तो ये हंड्रेड आ गया दो से काट दो पचास अट्ठारह फिर दो से काट दो पच्चीस और नौ ठीक है तो ये कितना आ जाएगा पच्चीस है पच्चीस का ग्यारह मल्टीप्लाई करेंगे फाइव सेवन टू बटे नौ ठीक है अब देख लो बटे में नौ आएगा अब वो तीस का मल्टीप्लाई करेंगे तीस नौ हाँ दो सौ सत्तर तो 270 और 5 ये सही आंसर है आपका ठीक है दिस इज योर राइट आंसर देखो ये क्वेश्चन नहीं था फिर भी मैंने रख दिया इसमें तो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी ठीक है उम्मीद है कि आपको ये पूरा सीरीज जो है सोल्यूशन का पसंद आया होगा अभी तो ये खैर परसेंटेज चैप्टर का था अब इसके बाद मैं क्या करूंगा इसके बाद मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस उसके क्वेश्चंस कराऊंगा लगभग 20 क्वेश्चन हैं तो 20 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे एकदम तैयार हो जाएंगे 2018 के आए हुए हैं सीजल टायर टू के क्वेश्चन और यार आसान नहीं था सीजल टायर टू एक तरह से आसान भी था और कह लो जिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी जिनको ट्रिक्स नहीं बताते उनके लिए आसान नहीं था ठीक है तो अब हम उसे आसान बना देंगे तो चलते हैं फिर आ, मुलाकात होगी कल प्रॉफिट एंड लॉस के साथ थैंक यू